हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गाइस कि IQ Z7 Pro फ़ोन में आप लोग वॉलपेपर को कैसे सेट कर सकते हो। अगर आपके पास एक IQ Z7 Pro फ़ोन है और इस फ़ोन में जो है आपको वॉलपेपर सेट करना है, आपके फ़ोन में जो वॉलपेपर लगा हुआ है गाइस, अगर आपको ये वॉलपेपर पसंद नहीं आ रहा है, आपको जो दूसरा वॉलपेपर लगाना है या आपके गैलरी में जो फ़ोटोज़ होते हैं गाइस, उन फ़ोटो को आप लोग वॉलपेपर में सेट करना चाहते हो, तो कैसे आप लोग अपने इस फ़ोन में वॉलपेपर को चेंज कर सकते हो गाइस, तो आज के वीडियो में मैं ही बताऊँगा आप लोगों को। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वॉलपेपर को चेंज करने के लिए आपको सबसे पहले जो है अपने इस फ़ोन के सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद थोड़ा सा नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर का, तो इस लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही वॉलपेपर का एक ऑप्शन आएगा, वॉलपेपर पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे जो है स्टैटिक वॉलपेपर आ चुके हैं, तो यहाँ पर से जो भी आपको पसंद आता है गाइस आपको यहाँ पर से उस वॉलपेपर पे क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही अप्लाई का ऑप्शन आएगा, अप्लाई पे क्लिक करेंगे। अप्लाई टू लॉक स्क्रीन, होम स्क्रीन या बोथ, कहाँ पर इस वॉलपेपर को लगाना है उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपका जो ये वॉलपेपर है वो आपके फ़ोन में सेट हो जाएगा, देख सकते हैं आप लोग। उसके बाद गैलरी के फ़ोटो को लगाना है तो यहाँ पर लोकल इमेजेस का ऑप्शन आएगा, लोकल इमेजेस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके फ़ोन में जितने भी फ़ोटोज़ होंगे सब शो हो जाएंगे, तो जो भी फ़ोटो आपको वॉलपेपर पे लगाना है उस फ़ोटो को यहाँ पर से आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही यहाँ पर जो है होम स्क्रीन, लॉक स्क्रीन, बोथ, कहाँ पर लगाना है उसको चूज़ करेंगे और ऊपर जो राइट वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देंगे तो आपका जो ये गैलरी का फ़ोटो है वो वॉलपेपर में सेट हो जाएगा, देख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप लोग अपने IQ Z7 Pro फ़ोन में आप लोग वॉलपेपर को सेट कर सकते हो। तो कैसा लगा गाइस आप लोगों को ये वीडियो, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।